हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल ट्रैवल विद डेवलपर में। और मैं आज आपको लेके चलने वाला हूँ बद्रीनाथ। और उससे पहले अगर आपने हमारे केदारनाथ टूर गाइड की वीडियो नहीं देखी तो आप देख सकते हैं, क्योंकि हम वहीं से कंटिन्यू कर रहे हैं। और लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और साथ में इन्फो बटन पर भी आ रहा होगा, तो आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। तो चलिए अब बताते हैं कि आपको बद्रीनाथ में कैसे रुकना और कहाँ पर आपको घूमना, उसके साथ आप कैसे हरिद्वार पहुँचेंगे। तो सबसे पहले आपको मैंने बता ही दिया था लास्ट वीडियो में कि केदारनाथ से आप सोनप्रयाग में नाइट में स्टे करेंगे, फिर आपको वहाँ से वापसी करनी, तो आप मॉर्निंग में निकल सकते हैं सोनप्रयाग से। और अगर आपको वापसी नहीं करनी तो फिर आप सोनप्रयाग से ही डायरेक्ट बद्रीनाथ के लिए बस कर सकते हैं। और आपको ईजिली बस मिल जाएगी जिसका चार्जेस होंगे नियर अबाउट 400 से 500 रुपये कुछ चार्जेस होंगे। और यहाँ से आपको करीबन सुबह 7 बजे 8 बजे तक निकल लेना होगा, तभी आपको बद्रीनाथ में शाम को 3 या 4 या 5 बजे तक आप पहुँच सकते हैं। क्योंकि बद्रीनाथ से केदारनाथ की जो डिस्टेंस है 200 से 250 किलोमीटर तक की है, जो करीबन 6 से 7 घंटे इजीली ले लेगा, क्योंकि ये पहाड़ों का इलाका है। पर मैं मान के चलता हूँ अगर आप 7-8 बजे निकलते हैं तो शाम तक आप पहुँच जाएंगे बद्रीनाथ 4-5 बजे तक। और ईजिली वहाँ पर अगर आप चाहें तो शाम को भी दर्शन कर सकते हैं, और अगर आप नहीं भी करना चाहते तो आप स्टे करिए, मॉर्निंग में ईजिली दर्शन हो जाते हैं। यहाँ पर कोई इतना रश नहीं रहता जितना कि केदारनाथ में होता है, तो आप एक बार शाम को भी दर्शन कर सकते हैं और फिर मॉर्निंग में जल्दी उठ के भी दर्शन कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको बद्रीनाथ के दर्शन हो जाएंगे। तो बद्रीनाथ में आपको नाइट में स्टे करना पड़ेगा और उसके बाद आप मॉर्निंग में उठ के फिर से दर्शन कर सकते हैं। और दर्शन करने के बाद अगर आपके जल्दी दर्शन हो जाते हैं तो नियर बाई प्लेसेस हैं बहुत सारे एक्सप्लोर करने के लिए बद्रीनाथ में, जिसमें से एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेस है माना विलेज। यहाँ पर कहते हैं कि सरस्वती नदी आपको यहीं पर देखने को मिलेगी और इसके बाद यहाँ पर पाताल में समा जाती है। और माना विलेज है इंडिया का फर्स्ट विलेज है, तो ये इस हिसाब से भी आपको घूमना बनता है। तो अगर आप आ रहे हैं केदारनाथ और बद्रीनाथ तो आप इस प्लेस को भी ज़रूर एक्सप्लोर करें, यहाँ पे काफ़ी अच्छे आपको सीन्स मिलेंगे, यहाँ पे फोटोग्राफी कर सकते हैं। तो माना विलेज घूमने के बाद आप आसपास के और लोकेशन जो एक्सप्लोर कर सकते हैं, और आपको इजीली जीप वगैरह मिल जाएगी। अगर नहीं करना चाहते तो आप ठीक उसी दिन आप और अगर आप नहीं एक्सप्लोर करना चाहते तो ठीक आप माना विलेज को एक्सप्लोर करने के बाद आप निकल सकते हैं, आप निकल सकते हैं हरिद्वार के लिए जहाँ से आपकी ट्रेन होगी, या फिर ऋषिकेश के लिए भी जा सकते हैं। अगर आपको ऋषिकेश एक्सप्लोर करना तो आप वहाँ पे चले जाइए और आपकी ट्रेन जहाँ से वहाँ पे आप जा सकते हैं। तो इस तरह हमारी जो जर्नी है केदारनाथ और बद्रीनाथ की यहाँ पे कंप्लीट होती है, और जिसका ऑलमोस्ट आपको आ जाएगा नियर अबाउट, अगर बद्रीनाथ की बात करें तो आपका स्टे में आ जाएगा 1000 रुपये, और आसपास का जो लोकेशन वहाँ एक्सप्लोर करने में 500, तो बद्रीनाथ में आपको 2000 रुपये लगभग लग जाएंगे और इससे ज़्यादा नहीं लगेंगे। और केदारनाथ तक मैंने पहले ही बता दिया कितना आपका अमाउंट लगने वाला, तो आप वीडियो चेक कर सकते हैं। तो टोटल मैं मान के चल रहा हूँ 9 से 10 हज़ार में आपके केदारनाथ और बद्रीनाथ के ईजिली दर्शन हो जाते हैं। और अगर यहीं आप ग्रुप में होते तो थोड़ा सा आपके लिए अफोर्डेबल होंगी चीज़ें, क्योंकि वहाँ पर थोड़ा सा आपका जो बैलेंस है वो मेंटेन हो जाए। वहाँ पर आपके 6 से 7 हज़ार भी लग सकते हैं, ऐसा कोई एक्सपेक्टेड नहीं है, सीज़न के अकॉर्डिंग हो सकता है। और सीज़न जो रहता है वो केदारनाथ और बद्रीनाथ का, वो अप्रैल से तो स्टार्ट ही होता है खुलना, तो उस समय तो थोड़ा रश कम होता है, लेकिन होता उस टाइम भी है। मई जून में सबसे ज़्यादा रश होता है, जुलाई में एकदम नहीं होता क्योंकि बारिश का होता, तो उस समय काफ़ी कम ही लोग जाते हैं। और फिर इधर सितंबर अक्टूबर में रश कम होता, तो आप इस मंथ में प्लान कर सकते हैं, और हमारा भी प्लान कुछ इसी तरह है अक्टूबर के मंथ में। तो चलिए देखते हैं आपको केदारनाथ और बद्रीनाथ का ब्लॉग देखने को मिलता है हमारे चैनल पर या नहीं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।